तो क्या इस बार न्यू ईयर ईव पर प्रधानमंत्री देंगे रिटर्न गिफ्ट? कई ऐलानों की संभावना की जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी है, बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए सभी मेहमानों से मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा एक वो बताएंगे, एक ऐसी मांग जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से अपने संबोधन में। इसे शुरुआत करते हैं अंजन रॉय जी से। देखिए, मेनी पीपल आर डिमांडिंग, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन पार्टीज, दैट देयर शुड बी लोन वेवर फॉर फार्म लोन्स एंड व्हाट नॉट। दिस विल बी अ वेरी रिग्रेसिव स्टेप, दिस शुड नॉट बी गिवन, बिकॉज लोन वेवर sets a precedent and a culture where bank loans become no longer have that sacrosanct nature that you have to repay a loan. So this should not be given. But there is a talk about cheaper home loans. That is a very good, because home building encourages entire range of industries. So cheaper home loans are making it easier to start building homes, particularly for younger people, those who are cheaper home loans ki ummeed karte hain is elan mein Anjan Roy ji. Ashutosh Khajura ji, aapki kya ummeed hai, kis ek bade elan ki aap ummeed kar rahe hain? देखिए, मैं उस बारे में कोई अनुमान व्यक्त नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव है, वो क्या कल उद्घोषणा करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना था कि ये जो 500 और 1000 की मुद्राओं का विमुद्रीकरण किया गया था, उसमें एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि काला धन जो संचित है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, एक उद्देश्य उसका ये भी है। अब जो स्टॉक है उसके लिए तो आपने विमुद्रीकरण किया, अब आवश्यकता है जो प्रवाह है, काले धन का प्रवाह है, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए। अब उसमें कुछ तो आपराधिक तत्वों से, जैसे अपने आतंकवादी या माफिया, इनकी इनकी वजह से काला धन है, या रिश्वत जो लेते हैं उनकी वजह से काला धन है। बट एक व्यापारी वर्ग जो है, जो रिपोर्ट नहीं करता अपनी ट्रांजेक्शन्स को और उस पर टैक्स नहीं पे करता, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा काला धन जो है वो संचित होता है। अब आवश्यकता है कि कराधान इस प्रकार का किया जाए, उसको इतना आकर्षित किया जाए कि लोग सुगमता से कर देने के लिए तैयार हों, और वो छोटी प्रतिशतता का कर देकर और इस झंझट से मुक्त हों, जहां उनको बाद में 25-25, 30-30% के जो है ऑफर्स करके और उनको किसी तरह अपने पैसे खपाने की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो सब होता है। कराधान रखने वालों के लिए कड़े प्रावधान और एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए। जी। और संजय दालमिया जी, कौन सी ऐसी एक मांग है जिसका आप इंतजार करेंगे? मैं ये चाहूँगा कि किसान को उसकी जो ज़मीन है जिस पे वो अन्न उपजाता है, उस पे वो ही रिटर्न मिलना चाहिए जो आप इंडस्ट्री को देते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि किसान को उसकी फसल का पूरा लागत जो लगती है उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता है, और आप विदेश से जो भी सामान मंगाते हैं, अन्न हुआ या कुछ और उस तरह की चीज़ हुई, वो ज़्यादा पैसे में मंगाते हैं बनिस्बत आप अपने किसानों को उसी प्राइस पे देते हैं। अगर आप अपने किसान को ठीक मूल्य दें उसकी जो फसल का, तो मेरी समझ में एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा एक सपोर्ट दे सकते हैं, और एग्रीकल्चर इस मुल्क की सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ का एक कारण बन सकता है। राइट। किसानों पर एक मेन फोकस होना चाहिए। लोन वेवर की बात कही है, इनफैक्ट ईएमआई कम होने की बात कर रहे हैं अंजन रॉय। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से, लेकिन नजर हमारी डेफिनेटली बनी रहेगी कि 31 दिसंबर 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कैसे रियायतों का ऐलान करें जिससे कि आम लोगों को राहत मिले। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश पर जुड़ने के लिए।